नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 33 जिला 33 खबर का। तो चलिए राजस्थान से कोरोना का अपडेट सबसे पहले आपको दे देते हैं। एक बार फिर से राज्य में कोरोना संक्रमित बढ़े हैं। 18,231 नए संक्रमित आज दर्ज हुए हैं। 164 कोरोना संक्रमितों की आज प्रदेश में मौत दर्ज हुई है। 16,930 मरीज आज कोरोना से रिकवर हुए हैं और साथ ही साथ 1,99,147 कोविड एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना अपने कहर बरपाता जा रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 164 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। चलिए इसी बीच जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल नाबालिग से यौन शोषण के आरोपित आसाराम को एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आसाराम को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जोधपुर जेल भेजा गया था। महात्मा गांधी अस्पताल आसाराम के कारण अन्य मरीजों के को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण से कई भक्तों ने अस्पताल के बाहर डेरा डाला हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था काफी चुनौती बनी हुई थी। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आसाराम को एम्स में अब शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। पॉजिटिव होने के बाद आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल के बाहर समर्थकों ने डेरा डाला हुआ था, जिसके कारण कई मरीज पहले से अस्पताल में भर्ती थे, उनके परिजनों को दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है। राजधानी जयपुर में कोरोना मरीज इलाज के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। जयपुर में कोरोना मरीजों के लिए आरयूएचएस जयपुरिया, ईएसआई और एसएमएस अस्पताल में व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों को बिना देखे ही बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर निकाला जा रहा है। लेकिन अब अस्पताल ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जब आज ईएसआई अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां मरीजों को भर्ती के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखकर दोनों अचंभित रह गए, जिसके बाद मंत्री ने कोविड सेंटर के इंचार्ज को बढ़ाने और अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज देने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हमने मरीज भेजे, लेकिन बिना मरीज को देखे यहां से भेज दिया गया। ऐसी स्थिति मिलने के बाद आज दौरा किया गया है। डॉक्टरों से मांग है कि यदि आपके पास संसाधन कम है तो सरकार को बताएं, लेकिन ऐसा मरीजों को मरते हुए मत छोड़िए। यदि यहां व्यवस्था नहीं होती है तो प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को एसएमएस भेजे। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा है कि निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर लूट को लेकर उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल तय सरकारी दरों पर ही इलाज करे, साथ ही मरीज की स्थिति और अपने संसाधनों को देखकर मरीजों को सही इलाज करे। यदि कोई गलत करता हुआ पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ईएसआई अस्पताल में निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री ने स्थिति देखकर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को निर्देश दिया है। कहा है कि मरीज आते ही अब ऑक्सीजन देने का काम करे, यदि भर्ती होने की स्थिति में और बेड नहीं है तो उसे प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस रेफर करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट की मीटिंग ली, उसमें हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा जी ने पूरे स्टेट का जो भी हमारी तैयारी है वो रखा। 50,000 से ज़्यादा कंसंट्रेटर आने की तैयारी है। भामाशाहों से और राजस्थान के स्वयंसेवी संस्थाओं से मुख्यमंत्री जी ने अपील कर दी, हेल्थ मिनिस्टर ने अपील कर दी, हम सब ने हाथ जोड़कर अपील कर दी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जितनी आप मदद कर सकते हैं मदद करें, जो कंसंट्रेटर दे सकता है कंसंट्रेटर दें, मेडिकल इक्विपमेंट और अपने अपने मोहल्ले में जो जरूरतमंद है उसकी मदद करें। ये महामारी अंतर्राष्ट्रीय महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। देखिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो व्यवस्थाएं कोरोना के पहले दौर में हमने की, शानदार व्यवस्थाएं थी। राजस्थान की मृत्यु दर पूरे कंट्री में सबसे कम थी, आज भी कम है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीवन देने वाले भगवान के रूप में देश प्रदेश की जनता उनको आज देख रही है और उनकी मेहनत को तो हम सलाम करते ही हैं। दिन रात सारे लोग मेहनत करके राजस्थान की जनता को बचाने में लगे हुए हैं। चलिए इसी बीच उदयपुर के झाड़ोल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। चाचा ने अपनी 8 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। गांव के ही 2 युवकों ने इसमें सहयोग किया। 4 मई की पूरी घटना फिलहाल बताई जा रही है। परिजनों को पता चलने पर झाड़ोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
इधर राजस्थान में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो लोगों के दिल दिमाग को सुकून देती है। जयपुर में ऐसे वक्त में जब अस्पतालों में न बेड बचे हैं, न ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है और लोग परेशान है, उस वक्त जयपुर के मालवीय नगर के ब्रूंगटा अस्पताल में कोविड पेशेंट्स के लिए एक नई पहल की गई है। कोविड पेशेंट्स को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए रामायण का पाठ सुनाया जा रहा है। इसके लिए बकायदा पीपीए किट पहनकर सभी गाइडलाइंस को देखते हुए रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए पंडित को बुलाया जाता है और रामायण पाठ पढ़ाया जाता है ताकि मानसिक रूप से किसी भी मरीज को दिक्कत ना हो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद जताते हुए राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा कि एलपीएम लगाने का निर्णय कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र का यह निर्णय राजस्थान के 8 जिलों के 12 चिकित्सालयों के लिए है जो कि संतोषप्रद है। राजस्थान में 12 जगहों पे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की सैंक्शन आई है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड से इन 12 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स की सैंक्शन दी और इसमें बहुत फायदा होगा। बहुत अभी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तो चलिए बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल को पीएम केयर्स फंड में मिले 95 वेंटिलेटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। दरअसल कटारिया ने ऐसा ही एक पत्र राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अखिल अरोड़ा को भी लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एक साल पहले पीएम केयर की ओर से 95 वेंटिलेटर्स मिले थे। ये वेंटिलेटर एक साल से बेकार होकर स्टोर में पड़े हुए हैं। इन वेंटिलेटर्स में से ज्यादातर वेंटिलेटर तय मात्रा के मुताबिक मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। उदयपुर को मिले 95 वेंटिलेटर्स में से 24 को इंस्टॉल कर उपयोग में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये चिकित्सक के दृष्टि से सही नहीं होने से किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। मरीज को वेंटिलेटर पर रखने पर 2-3 घंटे में ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं और कई बार ऑक्सीजन का प्रेशर भी बंद हो जाता है। कटारिया ने ये भी आरोप लगाया है कि अधिकांश वेंटिलेटर इंस्टॉल तक नहीं हुए हैं। इन 95 वेंटिलेटर्स के लिए राज्य सरकार को विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन अभी तक इन वेंटिलेटर्स को सही करके काम में नहीं लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि वेंटिलेटर जिस कंपनी या फिर स्थान से खरीदे गए हैं उसके इंजीनियर्स को उदयपुर भेजकर खराब पड़े वेंटिलेटर्स को सही करवाया जाए। इधर अब जयपुर झालाना लेपर्ड रिजर्व तक कोरोना पहुंच चुका है। लेपर्ड रिजर्व की 4 कार में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। दरअसल चारों कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया है। लेपर्ड रिजर्व के सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाई गई है, साथ ही साथ ट्रैकिंग टीम और टैंकर सप्लायर को भी कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए हैं। लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों पर रखी जा रही है कैमरों से नजर, साथ ही साथ कार्यालय और नाकों पर लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां लेपर्ड रिजर्व तक अब कोरोना पहुंच चुका है। 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाई गई है। इधर जयपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। दोनों रेमडेसिविर इंजेक्शन 60,000 रुपए में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में एक डॉक्टर और 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। अग्रवाल फार्म स्थित यूपीएचसी इंचार्ज डॉक्टर अमित सेठी गिरफ्तार हुए हैं। एजेंट अभिजीत और छोटूलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बोगस ग्राफ को भेजकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। डीएससी नॉर्थ और विद्याधरनगर पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। कोविड 19 महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एक बार फिर से अजमेर में से भी सामने आई है। मामले की सूचना पर अजमेर क्लब के नजदीक 2 महिलाओं को कोतवाली थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास इंजेक्शन होने की सूचना मिली। एक उड़ान मासूमों के नाम संस्था के अध्यक्ष आशीष सोनी ने बताया कि उनकी कोई परिचित के रिश्तेदार क्षेत्रपाल अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। उन्होंने महिलाओं से संपर्क किया तो उन्होंने 23,000 रुपए में इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही और पहले स्वामी कॉम्प्लेक्स के नजदीक बुलाया और फिर अजमेर क्लब के नजदीक बुलाया। इस इंजेक्शन की सप्लाई दी जानी थी। इस मामले की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर कार में सवार दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया है और उन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया है, जहां विस्तृत से उनके साथ पूछताछ
की जा रही है। उनके पास मिली दवाइयां और अन्य सामानों की तलाशी भी ली जा रही है। वही दोनों लड़कियां घबराई हुई हैं और ये इंजेक्शन कहां से उनके पास आए हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी भी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। चित्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और कहीं से व्यवस्था हो रही है, वो 23,000 रुपये इंजेक्शन के मांग रही है। तो आप मेरे को कैसे करके पैसे दो, मैं आपको वापस पैसे वापस दे दूंगी। कौन सा इंजेक्शन? ये रेमडेसिविर। तो मैंने कहा आप डरो मत बेटा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पैसा मैं दे दूंगा, आप बताओ कौन क्या है कॉन्टैक्ट नंबर। तो उससे मैंने कॉन्टैक्ट करा, इनकी हेड है कोई लेडीज़ है, GM करके उसका नाम आ रहा है, उसको फ़ोन करा। तो मैंने कहा दीदी मेरे को अर्जेंट इंजेक्शन चाहिए, घबराते हुए मैंने बात करी, क्योंकि ऐसे तो मेरे को देती नहीं। पहले उसने मेरे को इधर स्वामी कॉम्प्लेक्स पर बुलाया, स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाद उसने कहा आप अजमेर क्लब के इधर आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है दीदी आता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास 5 मिनट यहाँ वेट कराया, फिर मेरे को फ़ोन करा कि आप कहाँ पर हो, मैंने कहा यहीं हूँ। यहाँ आती है बच्ची आई दोनों आते ही मैंने इनको कहा दीदी इंजेक्शन कि कितने चाहिए भैया अभी आपको, मैंने कहा अभी एक चाहिए, वैसे 4 की नीड है मेरे को, कि 4 की नीड है, मैंने कहा अभी एक चाहिए कल और एक चाहिए, कि आपको 4 नहीं 10 मिल जाएगा, 23,000 रुपये लगेंगे। मैंने 20,000 कर दो अभी भी कैसे भी करके, मेरे को गरीब जो मजबूरी है कि नहीं 23 का 23 में मिलेगा आपको, चाहे कितना भी कर लो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को एक संदेश देना चाहूँगा, भैया मैं भी एक आम नागरिक हूँ, आप भी एक आम नागरिक है, हॉस्पिटल के बाहर गरीब मर रहा है, क्यों मर रहा है, ऐसे 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 काले बाजारी ये जो रईस के चोचले ऐसे घूम रहे, खुद की रईसाई करने के लिए काला बाजारी कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा है, कार्रवाई करें। इधर बाड़मेर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण चिकित्सा व्यवस्थाएं लगातार लड़खड़ाने लगी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पिछले कई दिनों से अपने गृह जिले बाड़मेर में कोरोना 19 के खतरों के बारे में नजर बनाए रखे हुए हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी वहां पर बढ़ते मरीजों की संख्या से भी खासे चिंतित है और उन्हें अधिकारियों को तुरंत एक अस्थायी अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि यहाँ पर जरूरतमंद मरीजों को इलाज मिल सके। उन्होंने निजी तौर पर इस अस्पताल के लिए 5 लाख रुपये भी दिए हैं। मंत्री के निर्देश से 20 डंपर, 15 ट्रॉलर और 18 JCB, 2 मैकेनिक सहित 1 ग्रेडर केमिकल सांबरा के रन में पहुंच गए हैं और जमीन समतलीकरण कार्य भी शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने तपती धूप में भी मौके पर मौजूद रहकर काम की निगरानी की है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्य को छोड़कर कोरोना से सामना करने के लिए हर पार्टी को काम करने का आह्वान किया है। वो CM की इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी जो हालात बने हुए उसके हालात के संदर्भ में हम लोगों को वापस ये ऐलान किया है कि हर कार्य छोड़कर हम लोग इस कोविड के संदर्भ में जो भी यथासंभव कदम हो सके वो कदम उठाए, उनकी इस सोच के आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग। इधर झुंझुनू का ऑक्सीजन प्लांट अब हांफने लगा है, उसके साथ ही लोगों की सांसें भी अटकने लगी है। दरअसल जिले में एक ही प्लांट से सप्लाई हो रही है, ऐसे में अगर ये प्लांट बंद होता है तो पूरे जिले की सप्लाई बाधित होती है। आज एक बार फिर से प्लांट में तकनीकी खराबी आ गई जिससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर UT खान खुद रिको स्थित प्लांट पहुंचे और अपनी मौजूदगी में तकनीकी टीम से प्लांट को सही करवाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद प्लांट को एक बार फिर से शुरू करवाया गया है। इधर कोरोना काल में प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही बंद है, जिसके चलते गुलाबी नगरी की शान हवा महल की खोई हुई रंगत को फिर से निखारने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हवा महल की मरम्मत के साथ साथ इसके रंग रोगन का काम उच्च अधिकारियों की देखरेख में शुरू कर दिया गया है। 7 साल बाद हवा महल में रंग रोगन और इनोवेशन का काम करवाया जा रहा है। पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने से इस बार ये काम दिन में बड़ी आसानी से हो सकेगा। बताया जा रहा है कि काम करीब 4 महीनों में पूरा होगा। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटन स्थलों की भरमार है। कोविड काल से पहले यहाँ पर पर्यटकों की भरमार लगी रहती थी, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक पहुँचते थे। यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक हवा महल ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान रखता है, लेकिन इस कोविड काल में ये भी एकदम सूना हो गया। लेकिन इसके सूनेपन को दूसरे तरीके से लिया पर्यटन विभाग ने और उन्होंने यहाँ पर रंग रोगन करवाना शुरू कर दिया, यानी कि जब पर्यटक नहीं है तो यहाँ पर हवा महल में आसानी से इस पर रंग रोगन का काम हो सकता है, इसकी पुताई हो सकती है। क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि जो जयपुर की पहचान है गुलाबी नगरी के रूप में और जिस तरह से यहाँ के पर्यटन स्थलों पर गुलाबी रंग दिखाई देता है, वो उसको उसी ढंग में
ढाला जा सके जैसे कि सैकड़ों साल पहले से नजर आता था और उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। तो ये कोविड काल एक ऐसा समय है जब सुबह से शाम तक 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई पर्यटक नहीं रहता और इस दौरान लगातार यहाँ पर पुताई का काम हो सकता है, रंग रोगन का काम हो सकता है और वही यहाँ पर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। यानी कि कोविड काल के बाद में जो पर्यटक आएंगे वो हवा महल को एक नए रूप में देखेंगे, एक नए रंग के साथ में देखेंगे। हालांकि रंग वही पुराना गुलाबी होगा जो कि गुलाबी नगर की पहचान है, लेकिन वो एक नए रूप में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। इधर धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में भार्गव वाटिका धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में आए युवाओं को मंगल टीका लगवाकर जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की शपथ दिलाई गई है। शिविर में आए नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ आमजन का भी दायित्व बनता है कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना कर अपने जीवन को सुरक्षित रखे। उन्होंने शिविर में आए युवाओं से आह्वान किया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगे आकर देश को इस महामारी से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर में आए युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने शिविर का आयोजन किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो भार्गव वाटिका में 5 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा भव्य एक आयोजन संस्था के द्वारा किया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवकों ने वैक्सीनेशन कराया। एक व्यवस्थित रूप से हमने एक प्रयास किया है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। भार्गव वाटिका में सरकार के द्वारा चलाई जा रही वैक्सीन मुहिम में रेड क्रॉस कंपनी और रोटरी के सहयोग से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है और हम जनता से, धौलपुर के युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी 18 प्लस हो चुके हैं वो सारे युवा पीढ़ी वैक्सीन लगवाए। मेरा नाम नीति शर्मा है, मैंने वैक्सीनेशन करवाया है अभी और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी सरकार हमारी जो भी हमारे लिए कर रही है और जो भी गाइडलाइंस दी हैं उन सभी को फॉलो करें। इधर श्रीकरणपुर ब्लॉक में कल 10 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। बीसीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 54F 25F 6V धनु 43F बडिंगा सब सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही 12H मोहल्ला 27F कमिनपुरा 36H नगी 9FA में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर भी टीकाकरण किया जाएगा। करणपुर शहर में नगर पालिका और सीएससी केसरी सिंहपुर में भी पात्र लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन सभी केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने पात्र लोगों से अपील की है कि वो अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। इधर सेवा दल के संस्थापक नारायण सुब्बा राव जी की 133वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान अनेक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल मुख्यालय बनी पार्क जयपुर में पुष्पांजलि और कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन बांटा गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशन में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हेम सिंह ने कहा कि सेवा दल शुरू से ही मानव जाति के लिए कार्य करता आया है और आगे भी इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा। महात्मा गांधी सेवा रसोई के प्रभारी कृष्णकांत शर्मा के अनुसार आज जयपुर के सभी कोविड सेंटर्स पर जाकर सेवा दल के साथियों ने मरीजों के परिजनों को भोजन करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वाक्य कोई भूखा ना सोए की चरितार्थ करते हुए इस रसोई के माध्यम से गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग को निशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को एक दिन वेतन कटौती की स्वैच्छिक सहमति दी है। दरअसल शिक्षक संगठनों की भावना के अनुरूप कोविड 19 फंड में सहयोग के लिए मंत्री भाटी ने आज सुबह इसे लेकर घोषणा की है। कोविड 19 की सेकेंड वेव आज हमारे देश में बहुत आक्रामक स्थिति में है। हमारे प्रदेश में भी कोविड 19 का जो संक्रमण रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी
पूरी चिकित्सा विभाग की टीम और सभी प्रशासनिक जो हमारी विंग है वो सब लोग कोविड 19 के खिलाफ लगातार इसके संक्रमण को रोकने के लिए, इसकी चैन को रोकने के लिए और कोविड से संक्रमित होने वाले जो लोग हैं उनका अच्छा इलाज हो उसमें लगे हुए हैं। एक और जहां कोरोना संक्रमण है, लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना है और सावधान रहना सिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर विपरीत हालात में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी पैदा किया है। ऐसा ही मामला कपासन में सामने आया है, जहां लगातार बढ़ते संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर शमशान में लकड़ियों की कमी को दूर करने के लिए एक सराहनीय पहल की है। कब्रिस्तान की लकड़ियों से अब शमशान में अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में।